आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अज़रुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ एचएन न्यूज़ में। आइए नजर डालते हैं तफसीलात की जानिब। एचएन न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है, आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। डोंडीगल में हफ्ते की रात एक तकरीब हॉल में धमाके में एक खातून की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लक्ष्मी एसबीवी के फंक्शन हॉल में काम करती थी और हफ्ते को अहाते की सफाई के दौरान इसने एक खुली जगह पर रखा एक छोटा सा डब्बा उठाया और इसे खोलने की कोशिश की। जब धमाका हुआ धमाके में जख्मी होने वाली खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। वाक़े के फौरन बाद डोंडीगल पुलिस मौके पर पहुँच गई और जाए वक़ूअ का जायज़ा लिया। हम डिस्पोजल और डिस्पोजल टीमों को तलब करके जाए वक़ूअ का मुआयना किया गया और सुराख टीम के माहिरीन ने इस जगह से चंद नमूने हासिल किए। डोंडीगल इंस्पेक्टर पी रमना रेड्डी ने बताया कि हमें शुबा है कि धमाका किसी कीमियाई अमल की वजह से हुआ है। बॉक्स खोलने में नाकामी के बाद खातून ने मुबैना तौर पर इसे खोलने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया था। एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस तफ्तीश कर रही है। सिटी पुलिस के इंसदाद मंशियात विंग हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग HNEW ने इतवार को कहा है कि वो तालीमी इदारों में इंसदाद मंशियात कमेटियां ADCS कायम करेगी। ADC मंशियात के इस्तेमाल और फरोख्त की निगरानी करेगा। तालीमी इदारों में मंशियात के मुज़ीर असरार से मुतालिक आगाही फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा। मीडिया कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद से खिताब करते हुए कहा कि HNEW टीम और मुकामी पुलिस ADCS के साथ बाकायदगी से रबते में रहेंगे। साथ ही ADCS मंशियात के इस्तेमाल के मुज़ीर असरात के बारे में बेदारी पैदा करेंगे। खुदा हाफिज़ फिल्म चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा की तस्वीर का आगाज़ करते हुए विद्युत जामवाल फिल्म के डायरेक्टर राइटर फारूक कबीर के साथ अपनी बड़ी एक्शन स्टार तवानाई को हैदराबाद ले आए। प्रमोशनल हंगामे की पहली गोद का आगाज़ ज़बरदस्त हुआ क्योंकि विद्युत का हैदराबाद हवाई अड्डे पर शायखीन ने फूलों के साथ इस्तकबाल किया। अदाकार का तेलंगाना की राजधानी से एक ख़ास ताल्लुक़ है क्योंकि इसने फिल्मों में अपनी शुरुआत तेलुगु फिल्म सख्ती से की। यही वजह है कि शहर ने वहाँ अपने क़याम के दौरान जाम का तजुर्बा किया। शहर में अपने आने वाले एक्शन ड्रामे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद्युत ने अपनी आजीज़ी से लोगों का दिल जीत लिया और पहली बार हक हुसैन के गाने पर परफॉर्म किया। खुदा हाफिज अदाकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमा होने वाले मदाहों की तरफ से ज़बरदस्त तालियों और खड़े होकर दाद वसूल की। इन्होंने कहा कि जब भी हमें परेशानी होती है तो हम चुप रहते हैं, जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम चिड़चिड़े और परेशान होने लगते हैं और बाहुबली बन जाते हैं। बाहुबली आने वाली फिल्म के ट्रेलर से लिया गया एक हवाला है। बकरीद की रोशनी में पुलिस ने शहर में गैरकानूनी तौर पर मवेशियों के दाखिले को रोकने के लिए हैदराबाद भर में चौकियां कायम कर दी है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक मुकामी पुलिस और महकमे हवानात के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक टीम 24 घंटे चौकियों की निगरानी करेगी। GHMC से दरख्वास्त की गई है कि वो काफ़ी खुराक और पानी के साथ इजाफी जानवरों की पनाहगाहें बनाएं ताकि हैदराबाद साइबराबाद और अच्छाकुंडा के पुलिस कमिश्नरों के जरिए जब्त शुदा मवेशियों को तेज़ी से घर में रखा जा सके। आनंद ने जानवरों के फ़ायदे के लिए कानून नाफिज करने वाले लोगों और तंजीमों के खिलाफ सख्त इंतबाबी जारी किया। इन्होंने कहा कि अगर किसी के पास मवेशियों की गैर कानूनी नकलो हमल की इत्तला है तो इसे हुकाम के नोटिस में लाया जाए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने 10 जुलाई को मनाए जाने वाले त्यौहार की रोशनी में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई। GHMC डिजास्टर और एनिमल हस्बेंड्री महकमों के सीनियर नुमाइंदों के साथ साथ रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भगवत और साइबराबाद कमिश्नर स्टेफिन रविंद्र शिरकत की। इस दौरान मवेशियों की गैरकानूनी नकलो हमल के तमाम पहलुओं के बारे में भी तफसीली गुफ्तगु की। तेलंगाना के वजीर बराए हैवानात तलासानी श्रीनिवास यादव ने हफ्ते को सिकंदराबाद में सेंटेंस स्कूल के करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से जदीद तरीन फुटओवर ब्रिज का इफ्तिताह किया। फुटओवर ब्रिज के दोनों अतराफ लिफ्टें और स्केलेटर लगाए गए हैं। इसके अलावा 8 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि हैदराबाद मेट्रोपोलिस ने तेलंगाना की तश्कील के बाद तमाम शोबों में ज़बरदस्त तरक्की की है। इन्होंने वजाहत की कि फुट ओवर ब्रिज इसलिए बनाया गया था कि तमाम शहरी बूढ़े और जवान आसानी से सड़क उबूर कर सके। वजीर ने कहा कि बल्दी नज्म व नक्श के वजीर KT रामाराव की सरपरस्ती में अरबों रुपये की लागत से कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं ताकि हैदराबाद की आवाम की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके, जो एक कास्मोपोलिटन शहर के तौर पर तरक्की कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।